चलिए दोस्तों, देखते हैं आज हम पहले अनबॉक्सिंग करेंगे इन प्रोडक्ट्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी अनबॉक्सिंग करें, तो देखते हैं। ये है हमारे पास, ये है, ये है, ये है। तो हम सोचते हैं पहले आज अनबॉक्स कर लेते हैं हम इसे कि क्या चीज़ है। तो फटाफट से हम इसे देखते हैं। ई कॉम की तरफ से ये आया, रिसीव हुआ है मुझे, और फ्लिपकार्ट से मैंने इसे परचेज़ किया है। तो पहले हम इसे अनबॉक्स करेंगे, फिर बाकी और प्रोडक्ट्स को अनबॉक्स करेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक लक्ष्य में। आज हम दोस्तों अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। फ्लिपकार्ट से ये बॉक्स मैंने मंगाया है, परचेज़ किया है। बिग बिलियन डेज सेल का ये लूट का माल है। तो आज हम इसे अनबॉक्स करेंगे, देखते हैं क्या है। वैसे आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आपको पता चल गया होगा कि ये क्या चीज़ है। ये एक ट्रिमर मंगाया है मैंने रियलमी की तरफ से। तो पहले इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। अनबॉक्स करने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाएँ। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो ये हमने बॉक्स को ओपन किया और ये कुछ इस तरह से फाड़ा इसका मुँह और हमारा ये बॉक्स निकल गया। टैन टैन, ये है रियलमी की तरफ से आता हुआ और बॉक्स में कुछ नहीं है। फ्लिपकार्ट वालों की अभी एक अच्छी चीज़ हो चुकी है कि पहले प्लास्टिक की पॉलिथीन आती थी, उसमें ये पैकिंग करते थे, पिन्नी होती थी। अब पेपर का आता है, पेपर में पैकिंग होती है, काफ़ी ठीक चीज़ है ये। और ये रहा बिल, ये कितने रुपए का मुझे फ्लिपकार्ट पर पड़ा है तो वो मैं आपको बता दूंगा। फ़िलहाल आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो ये है रियलमी की तरफ से आता हुआ एक ट्रिमर, रियलमी की ब्रांडिंग है, रियलमी बियर्ड ट्रिमर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और साइड में यहाँ पर 20 लेंथ की सेटिंग दी गई है, 0.5 mm का प्रिकॉशन है और 120 मिनट का बैटरी टाइम दे रखा है, मतलब कि 2 घंटे ये आपका आराम से चल जाएगा। और शार्पन ब्लेड हैं और यहाँ पर आपका वॉशेबल हेड है जिसे आप धो सकते हैं, और टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट दी गई है और ट्रैवल लॉक भी दिया गया है। काफ़ी स्पेसिफिक, काफ़ी अच्छा फीचर है कि ट्रैवल लॉक है और टाइप सी पोर्ट दिया गया है इसमें। अब हम देखते हैं और क्या है साइड में, और कुछ नहीं दे रखा है। बाकी यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे रियलमी की ब्रांडिंग दी गई है और मॉडल नंबर है RMH 2016, कलर ब्लैक है। ट्रिमर जो इसका MRP रेट है वो 1799 रुपये है, और बाकी कुछ खास नहीं है। एक USB केबल दी गई है, ऑयल की बोतल दी गई है। फटाफट से पहले इसे ओपन कर लेते हैं हम लोग, बाकी क्या है ये और क्या चीज़ रहता है इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसे अनबॉक्स करेंगे। ये हो गया अनबॉक्स, अब ओपन कर लेते हैं। और ओपन करेंगे हम तो फिर आपका कुछ नहीं दे रखा है। एक ये पेपर जो कि हम पढ़ेंगे नहीं, पेपर की क्वालिटी बिल्कुल सिंपल है, A4 साइज के पेपर में इन लोगों ने बना दिया। बाकी बॉक्स को हम रखते हैं साइड में, अब इसे हम लोग ओपन करते हैं। काफ़ी पैकेजिंग की गई है, तो ये भी खोलते हैं सील को, यहाँ से भी सील को ओपन करते हैं हम लोग। तो ये रहा आपका ट्रिमर। सबसे बड़ी बात, एक पैक दिया गया है जिसमें ये सब कुछ रख सकते हैं आप। ऑयल की बोतल दी गई है ताकि साफ़ सफाई कर सकें आप। और केस दिया गया है, ये केस भी बहुत नॉर्मल केस है, कपड़ा मतलब ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है, नॉर्मल कपड़ा है ये, मगर फिर भी ठीक ठाक है। और रियलमी का साथ में पैकेट भी लगा रखा है, स्टिकर लगाया हुआ है, तो रियलमी की ब्रांडिंग है इसमें। तो इस हम साइड में रख देते हैं। एक ब्रश दिया गया है, ये ठीक ठाक है, दांत तो हमारे नहीं बजेंगे। और एक टाइप सी केबल दी गई है, लेंथ अच्छी खासी है इसकी, और केबल पर कोई भी ब्रांडिंग नहीं दी गई है रियलमी की, वरना ब्रांडिंग होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। बाकी ब्रश, ऑयल, ये है। अब बचा हमारा मेन यूनिट। तो मेन यूनिट की बात करें तो काफ़ी स्टाइलिश है ये, प्रीमियम लुक देता है ट्रिमर, काफ़ी अच्छा है। और इसकी जो सेटिंग है वो 10 नंबर तक आप कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और
इसे आप इस तरीके से निकाल भी सकते हैं, ये आपका निकल जाता अलग हो जाता है, कॉम्ब जो दे रखा है ये निकल जाता है आपका अलग, सेपरेट हो जाता है बॉक्स। और क्वालिटी ठीक ठाक है इसकी कॉम्ब की, और काफ़ी वेट काफ़ी है इसका। और अब चार्जिंग की बात करें हम इसे स्टार्ट होने की, तो बस प्रेस करते ही आपका स्टार्ट भी हो जाएगा, और शायद आपका ये यहाँ से चार्जिंग पोर्ट रखा है बैक में, आपका चार्जिंग पोर्ट है। काफ़ी अच्छी बात है कि ये छिपा हुआ है, कवर कर दिया है इसे, वरना मोस्टली कवर नहीं कराता है। तो ये आपका स्टार्ट, शायद ये डाउन है, तो पहले हम लोग इसे चलिए अब हम इसे देख लेते हैं। इसे हमने चार्ज कर लिया है और अब ये स्टार्ट भी हो गया है, तो इसे हम पावर ऑन करेंगे, और पावर ऑन करते ही ग्रीन लाइट आपकी शो होने लगेगी और आप देख सक पा रहे होंगे कि ये स्टार्ट भी हो गया है। और स्पीड काफ़ी अच्छी खासी है इसकी, और इसे प्रेस करने से बंद हो जाएगा और यहाँ से ये आपका कॉम्ब निकल जाता है, आप इजीली निकाल सकते हैं। तो ये इसके कनेक्टर हैं जो इसमें फंस जाते हैं। अब यहाँ पर आपका जो स्पीड दे रखी है वो 10 mm तक दे रखी है, आप इसे 10 तक इसका जो लेंथ है, जो कॉम्ब की लेंथ है वो 10 तक बढ़ा सकते हैं। तो जैसे आप देखेंगे कि जैसे बढ़ रहा है ये, तो ये आपका ऊपर नीचे हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम कि इसे हम निकाल देते हैं और चेक करते हैं कि इसे अगर ब्रश से हमें साफ़ करना है, जैसे हमें ये ब्रश दे रखा है कंपनी की तरफ से, ये ब्रश मिला है, अगर आपका कॉम्ब में कोई दिक्कत हो जाती है या लेड में, तो क्या करना है आपको, इजीली इसे ड्रॉप करना है और ये आपका निकल जाएगा, और ये ब्रश की सहायता से आपको इसे क्लीन कर लेना है। ये ब्रश आपका इस काम में आएगा। और ऑयलिंग के लिए आपको ये ऑयल है, इसे आपको यहाँ यूज़ करना है, और अगर ये लूज़ होने लगता है तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इतनी। और अगर आपको इसी तरह से ये यहाँ पर देख पाएंगे आप, इसे यहाँ लगाना है आपको, और ये बीच में बिल्कुल रहना चाहिए, और इसे आप प्रेस कर दीजिए। ये आपका लग गया, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है इसकी, ये इसे आप स्टार्ट हो गए। चार्जिंग का जो टाइम है वो काफ़ी अच्छा है कि ये आपका 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाए, 2 घंटे तक आपका ये चलेगा। और फुल चार्जिंग इस टाइमिंग इसकी क्या दे रखी है, तो वो हम चार्जिंग की टाइमिंग इसकी क्या है वो हम टेस्ट करके आपको बताएंगे, तो उसके लिए आपको हमारे वीडियो में बने रहना पड़ेगा, आपको हमारे चैनल पर बने रहना पड़ेगा। इसी के साथ हमारे चैनल के साथ आप बने रहें, इसमें हम आपको फुल टेस्टिंग करके आपको बताएंगे बाद में। ये अभी आपका केवल एक क्विक रिव्यू है, तो अभी देख लेते हैं हम लोग इसमें और भी। अब हम इसे चेक करके देखते हैं कि इसकी जो ब्लेड है, ब्लेड की जो पावर है वो कितनी है, कितनी स्पीड है, और क्या इतनी शार्पनेस है इसकी। तो ये हमारे पास पहले पेपर है, पेपर पर क्या करेंगे, हमने इसे स्टार्ट कर लिया है, और इंडिकेटर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी लाइट है जो काफ़ी तेज चल रही है। तो ये पेपर हमारे पास, इसे हम कट कर देते हैं, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, पेपर काफ़ी अच्छे से कट गया है। अब हमारे पास एक ब्रश है ये, तो इस ब्रश को आप देख पा रहे होंगे, इस ब्रश के हम बालों को कट करते हैं, और ये आपका जो कटिंग है वो काफ़ी अच्छे से कर रहा है। और अब हम देख लेते हैं कि ये कैसे करके, ये हम इसे क्लीन कर लेते हैं, ये किस तरह से कॉम के साथ में वर्क करता है। तो ये जो अभी है वो 1 नंबर पर है, हम इसे पहले 4 नंबर पर सेट करते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या रहता है इसका। हमने इसे स्टार्ट कर दिया और अब देखते हैं, बढ़िया तरह से वर्क कर रहा है ये। और अगर हम इसे 10 पर सेट करते हैं, फुल 10 पर, तो भी बढ़िया से वर्क ही कर रहा है। यूजली 10 पर कोई सेट नहीं करता है, बट फिर भी हम चेक कर लेते हैं,
तो ब्लेड काफ़ी अच्छे हैं और क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है इसमें। स्टेनलेस स्टील के ब्लेड दिए गए हैं इसमें और इसका जो मॉडल नंबर है वो है दोस्तों RMH 2016। और इसकी अगर हम बात करें जो ब्लेड मटेरियल की, ब्लेड जो है वो स्टील के बने हुए हैं, स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं और वाटर रेसिस्टेंट भी है ये। और 2 घंटे का बैकअप है और 20 तक की आप इसमें लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं। और जो वेट है इसका वो 180 ग्राम के आसपास है, तो काफ़ी ठीक ठाक है। और 1 साल की वारंटी के साथ में ये आता है, तो काफ़ी प्लस पॉइंट है इसमें। मेरे पास एक फ़िलिप्स का ट्रिमर है, इसमें ये थोड़ा हैवी है बट ये फ़िलिप्स का ट्रिमर जो है काफ़ी ओल्ड मॉडल है ये, तो इसमें साउंड काफ़ी है, काफ़ी अच्छी है, आप सुन पा रहे होंगे इसमें साउंड बहुत है बट इसकी साउंड बिल्कुल ज़ीरो है। देख पा रहे होंगे आप कि इसकी जो साउंड है, मैं भी आपको सुनाता हूँ माइक से रखकर, देख पा रहे होंगे। जैसे अगर मैं फ़िलिप्स की ट्रिमर की बात करूँ तो इसकी साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा आती है, बट अगर हम वहीं बात करें रियलमी के ट्रिमर की तो इसकी आवाज़ बिल्कुल ना के बराबर आती है, तो बहुत कम आवाज़ है, आपको शोर महसूस ही नहीं होगा। और फ़िलिप्स का ट्रिमर बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, यूजुअली ट्रिमर बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ करते हैं बट ये ट्रिमर इतनी तेज़ आवाज़ नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है। आप इसे कैरी, कंपनी ने इसे कैरी करने के लिए एक पाउच भी दे रखा है, आप इसमें इसे रख करके कैरी कर सकते हैं और ठीक है। और साथ ही साथ ऑयलिंग के लिए दे रखा है ये, और एक ब्रश, ये सभी हम पैकेट में बंद करके इसे रख सकते हैं। और रियलमी की ब्रांडिंग के साथ कवर भी काफ़ी अच्छा है, केस काफ़ी बढ़िया दिया गया है। तो इसी के साथ वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। हमारे चैनल पर यदि आप दोस्तों नए हैं और वीडियो को आपने अंत तक देखा है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाएँ। इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।